रहे होंगे कि वरमाला की रस्में हो रही हैं, लेकिन दुल्हन अस्पताल के बेड पर क्यों है? आखिर अस्पताल में डॉक्टर्स की मौजूदगी में ये शादी क्यों हो रही है? तो दरअसल माजरा कुछ यूं हुआ कि शादी के 3 दिन पहले दुल्हन का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जीवन भर साथ निभाने का वादा करने वाले राजेंद्र ने वचन निभाने अस्पताल के बेड को मंडप में बदल मांग में सिंदूर भरा और जीवन भर साथ देने का वादा किया। किसी चल जी, मेरा नाम है राजीव चौधरी है और 13 तारीख को ये घटना हो गई है। 16 तारीख को शादी थी तो खंडवा से पंडित ने राजेंद्र और शिवानी को विवाह बंधन में बांधा। राजेंद्र ने पहले शिवानी को माला पहनाई, शिवानी ने भी एक हाथ से उनको माला पहनाई। इस शादी में न सिर्फ सब खुश नजर आए बल्कि समाज को एक संदेश भी मिला। 13 तारीख अब बोलो, 13 तारीख को दुर्घटना हुई है, 16 तारीख को शादी थी। शादी न करने की बजाय हम उसको पहले अस्पताल लाए, यहाँ एडमिट किया और वो 16 को छोड़ के आज उसकी रस्म हम पूरी कर रहे हैं। लड़कियाँ भी यही पूरी जब तक ठीक नहीं होगी जब तक यही रहेगी। और मैं तो ये बोलता हूँ हर लड़की वालों को या हर लड़के वालों को कि आने वाले कल में ऐसा व्यवहार करें कि कोई लड़की देने में भी जरा भी डरे नहीं। बाकी सब ठीक। और लड़की और शादी को शादी करने वाले थे मगर लड़की का एक्सीडेंट होने के कारण आज हम न्यू लाइफ हॉस्पिटल में शादी कर रहे हैं। और लड़की का एक्सीडेंट जुलवानिया में हुआ, जुलवानिया से बड़वानी रेफर किया था मगर एक पांव भी खतरनाक तरीके से टूटा है, एक हाथ भी खतरनाक तरीके से टूटा है। और हम बड़वानी से गाड़ी करके खंडवा न्यू लाइफ अस्पताल ले आए हैं और हम प्राइवेट में उसका इलाज कराना चाहते हैं। हमारी बहू है, लोग बहू हमको जलाते हैं मगर हमारा व्यवहार ऐसा नहीं है। हम उसका इलाज करा के अभी ऐसी स्थिति में शादी कर रहे हैं। क्या उद्देश्य देना चाहते हैं हम समाज को? हमारी बेटी के साथ ये हादसा होता तो हमको कितना दुख होता, तो वो भी हमारी बेटी। यदि ऐसा व्यवहार हर इंसान करेगा तो लड़की का जीवन सुधर जाएगा। शादी में परिवार के लोगों के साथ ही अस्पताल के लोग भी शामिल हुए। लड़की का पैर टूटने के बाद लड़के वालों ने शादी कैंसिल नहीं की, अस्पताल में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हॉस्पिटल प्रबंधन ने भी शादी के लिए परमिशन दे दी और हर किसी ने इस फैसले की तारीफ की। पंजाब केसरी टीवी के लिए निशात खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।